के नाम पर वोट होगा, मोदी के नाम पर वोट होगा। रामप्रीत के उम्मीदवार के रूप में रामप्रीत मंडल जी के फिर एक बार भरोसा दे जानकारी देवे हमरा सब आबे ये ना कहियो एक बार, लेकिन पार्टी से नीतीश कुमार से दौड़े यही पार्टी वोट नीतीश के पार्टी देखे ला आई तब ना विकास को तो सब देखे ला आई लेकिन विकास हो गए ओकरा देते मोदी में जो घुस गया गला है ना सही हाँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं मोदी के नाम पर रामप्रीत मंडल की नैया फिर से इस बार पार हो सकती है 2024 के लोकसभा चुनाव में। हमारे साथकार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। 2024 लोकसभा का चुनाव आ रहा है और चुनावी चर्चा के इस खास कार्यक्रम में हम मौजूद हैं करणपुर चौक पर। ये महरेल गाँव के नज़दीक करणपुर चौक है जो कि झंझारपुर लोकसभा के अंतर्गत आता है। झंझारपुर लोकसभा 2024 में यहाँ पर एनडीए के उम्मीदवार हुए हैं रामप्रीत मंडल, यानी कि रामप्रीत मंडल को दोबारा से यहाँ पर एनडीए ने भरोसा जताया है और एक बार फिर उन्हें एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि अभी तक गठबंधन महागठबंधन के उम्मीदवार कौन है इसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने न जाने कितने लोकसभा और विधानसभा चुनाव देखे होंगे। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का पिछला 5 वर्ष रहे रामप्रीत मंडल जी के, और अब इस बार जब दोबारा से एनडीए गठबंधन ने उनके ऊपर विश्वास दिखाया है तो क्या लोग फिर से उन्हें विजय बनाएंगे की नाम भेल बाबा पर जय तरीका से फिर से अबेर रामप्रीत मंडल जी के टिकट दिलखिन एनडीए की कही छे रामप्रीत मंडल जी के बेरा पार हेतै भ जेतै कतौ ने कतौ अखनो अहाँ सब सपोर्ट करै छियै हम करै छी सपोर्ट ई सपोर्ट किया छे विकास केलखिन केलखिन हेतै विकास केलखिन सही भेलै तो देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का कहना है कि उन्होंने विकास किए है, जिसको लेकर कुछ लोगों का अलग अलग कहना है। हमारे साथ और भी बुजुर्ग मौजूद है की नाम है जय तरीका से एनडीए के फिर से एनडीए के उम्मीदवार के रूप में रामप्रीत मंडल जी के फिर एक बार भरोसा जानकारी देवे हमरा सब आबे ये ना कहियो एक बार, लेकिन पार्टी जे छै नीतीश कुमार से दौड़े यही पार्टी वोट नीतीश के पार्टी में छै तैला देबै हां सही रे देबै और बीजेपी के राहत नहीं लागे भाई मान तो बढ़े लेकिन जे साथ गप छे ओ नेता जे से खत्म भाई समझ नहीं आ रहा था। अरे चुनाव के यार कि पार्टी के नाम पर मोदी के नाम पर मोदी के नाम पर मोदी के नाम पर मोदी के नाम पर वोट देख सकते हैं मोदी के नाम पर वोट होगा, मोदी के नाम पर वोट होगा। रामप्रीत मंडल के नहीं है तो देखियो ला नहीं ले खिला मंडल के देखे ला आई तब ना विकास को तो सब हो गए देखे ला आई लेकिन विकास हो गए ओकरा देते और कोनो बात वो कोनो हमरा ऐसे से पहलो से चले एक एक नाम ले ले मंडल के ओकरा नाम पर अच्छा हो रे कहे बोलो ने सुन आहा के ना की कहे के मोदी के नाम पर करे छ झूठे मोदी के नाम पर जे आहा सब वोट दे जे ओय में कह देखे ला देबे ने के ले नीतीश कुमार अंत समय में मोदी जी से गठबंधन को ले छ मोदी कैंडिडेट चाहे जे हुआ अगर विकास ने करे तो छठवे वो नीतीशो कोनो सक्षम अथी छ के नहीं छ वो हेर फेर वाला छ तो कुर्सी के वास्ते जी जान लगेने छ मोदी में जो घुस गया गला है ना सही तो देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं मोदी के नाम पर रामप्रीत मंडल की नैया फिर से इस बार पार हो सकती है 2024 के लोकसभा चुनाव में। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद है की नाम भेल सर अपन सबसे पहले आज चैनल से अलौ हैं अहाँ के धन्यवाद दे छी महरेल पंचायत में अलौ हैं जनता सबके मिले के लिए और जनता के आवाज सुने के लिए और जनता के विकास के मुद्दा जे छे भारत देश में सबसे पहले विकास विकास के मुद्दा जे छे सबसे पहले हमर हर राज्य में फैक्ट्री खुजबाक चाही जेकि हमर हर गरीब वर्ग के ओहिमे मजदूरी भेटते और आगा बढ़ते। दोसर प्रश्न है शिक्षा विभाग जे छे
ओहि शिक्षा विभाग में सही ढंग से टीचर समय पर एथिन, विद्यार्थी के गार्जियन जे छथिन से सही ढंग से विद्यार्थी के स्कूल भेजथिन, तो हमर हर पंचायत में जे स्कूल है केंद्रीय विद्यालय मान लिया लोक झंझारपुर क्षेत्र में अखन तक नहीं खुजल है। ते दुआरे हम प्रधानमंत्री भारत सरकार से हम आग्रह करबन झंझारपुर क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय हेबाक चाहिए। जै तरीका से रामप्रीत मंडल जी के दोबारा से टिकट भेटलन, पिछला 5 वर्ष तक क्षेत्र के जनता एते नाराज छन कि उनका शक्लों ने देखा चाहे थे, लेकिन फिर से किया कि एनडीए के कैंडिडेट छथि, मोदी जी के गठबंधन में छथि, तैला जनता फिर एक बेर कहे कि फिर एक बेर मौका दिल जेते, तो की कहे छी ओहि पर? रामप्रीत मंडल जे छथि ना 1865 दिन होइ छै 5 वर्ष में, यानी झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में हर पंचायत में कहियो नहीं एलखिन हन गरीब के आवाज सुनै लए और संसद में कहियो आवाज उठबे के लिए, यानी हमर संसद में आवाज जे समस्या छे झंझारपुर क्षेत्र के ओ जनता से जे पूछथिन हर ब्लॉक में एथिन और ओहि अनुसार से जनता के आवाज पूछथिन की समस्या है, ओहि समस्या के जे हल करथिन संसद में आवाज उठेथिन तो दोबारा भेटतन, नहीं उठेलखिन हन ताहि दुआरे जनता आक्रोश में छै, जनता के किछ विकास नहीं भ रहल छै कोनो चीज पर, महंगाई पर नहीं भ रहल छै, महंगाई चरम सीमा पर छै, गरीब के शौचालय नहीं भेटल छै, सिर्फ घोटाला बाज भेल छै शौचालय में, प्रधानमंत्री आवास 2 साल से नहीं भेट रहल छै गरीब के, पैसा आयल छै पैसा गरीब के नहीं द रहल छथिन, ताहि दुआरे रामप्रीत मंडल के वोट हमरा तरफ से और जनता के जे इच्छा हेतन भेटतन, नहीं तो नहीं भटता। सत्य यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया है लोगों की, कहा जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि रामप्रीत मंडल ने अपने कार्यकाल में काम तो नहीं किया है, लेकिन क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह से देश में एक विकास की लहर चलाई है उसको लेकर जिस प्रकार से गठबंधन हुआ है नीतीश कुमार का एनडीए के साथ, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि रामप्रीत मंडल अभी तक एनडीए के उम्मीदवार के रूप में रामप्रीत मंडल क्षेत्र में भारी है, महागठबंधन के उम्मीदवार की अभी घोषणा नहीं हुई है, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द घोषणा होगी और जब घोषणा होगी उसके बाद ही देखने को मिलेगा कि महागठबंधन का उम्मीदवार कौन आता है, फिर चाहे वो देवेंद्र प्रसाद यादव आते हैं, प्रशांत मंडल आते हैं या गुलाब यादव आते हैं या कोई भी जो भी कद्दावर नेता यहाँ से आता है, उसके बाद ही देखने को मिलेगा कि मामला क्या होता है और विधायक लोकसभा सीट किसके लिए भारी होती है। हम पहुँचे थे करणपुर जो कि महरेल पंचायत के अंतर्गत आता है, यहाँ पर हम पहुँचे थे, हमने लोगों से मिली जुली प्रतिक्रिया ली और उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और यदि आप भी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप भी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। फिर मिलते हैं इस तरह की वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, जय हिंद।